अभी हो सकता है उस बंदे को थोड़ा प्रॉब्लमेटिक प्रोडक्ट, डिफेक्टिव प्रोडक्ट पहुंचा होगा कितने। अगर मैं ऐसा बोलता कि नहीं, प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, तो वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं, अच्छा प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, तो जितनी भी इन्वेंट्री आपकी अमेजन वेयर हाउस पे है ना, वो पीछे रिमोल कर दो, ऑर्डर रिमोल ऑर्डर कर दो। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि जैसे कि मैंने बोला कि 1 मिनट के अंदर या एक कस्टमर अगर आपका प्रोडक्ट रिपोर्ट करता है, तब हो सकता है आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है। ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई, अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं हुआ, लेकिन इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना रिस्क होता है जब आप अमेजोन के ऊपर सेल कर सकते हैं। अभी ये वीडियो मैं इसलिए रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज बहुत बार क्या होता है, जो भी बंदा अमेजोन के ऊपर सेल करता है, वो आपको सिर्फ सपने दिखाएगा कि कितना ईजी है, मैं कैसे यहाँ बैठ कर चाइना से ऑर्डर करता हूँ, $2 का प्रोडक्ट $20 को बेचता हूँ और सारा प्रॉफिट लेकर मैं मज़े करता हूँ, और आप भी कैसे इजिली कर सकते हैं और आप उनका कोर्स कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, यहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कौन क्या करता है, लेकिन जो मेरे साथ हो रहे हैं, जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, एक्चुअल में मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। मेरे अकाउंट के अंदर मैंने कितना सेल किया, कितना प्रॉफिट किया, ये तो मैंने बहुत बार दिखाया होगा और आपने बहुत बार देखा होगा, राइट? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो जब भी आपके लॉसेस होते हैं, जब भी आपके प्रॉब्लम्स होती हैं, जब रिस्क फैक्टर होता है, वो कोई आपको नहीं बताएगा। इस वीडियो के अंदर मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में एक स्टूडेंट है और उन्होंने मेंटरशिप से पहले कुछ प्रोडक्ट सेल किए थे और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स होने के बाद वो मेरे पास आ गए और उनके अकाउंट में भी उनका एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि कोई डिज़ाइन पैटर्न या कॉपीराइट ऐसे कुछ इशू हुआ था। तो स्टूडेंट का मेंटरशिप सेशन चलते टाइम मुझे वो दिखा कि उनके अकाउंट के अंदर जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का या कॉपीराइट का इशू था, तब मैंने उनको ये बात बताई है। तो पूरी अच्छे से मेंटरशिप स्टूडेंट को मैं बताते टाइम मैंने सोचा ये आप लोगों को रिकॉर्ड करके बता दूं कि जो मेरे साथ हुआ, बिकॉज ये हो सकता है आपके साथ भी हो, या अगर आप नए हो, आपको पता नहीं कैसे उसको डील करना है, तो ये वीडियो एंड तक देखना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और अनकट, वैसे के वैसे मैंने स्टूडेंट के साथ बात करके उसको रिकॉर्ड किया है। तो कैसे क्या प्रॉब्लम हुई थी, कैसे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसको अवॉइड कैसे कर सकते हो, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो मेक श्योर एंड तक वीडियो देखो और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, मैं अच्छे कंटेंट बनाने की कोशिश करूंगा। अगर अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता तो मुझे भी मज़ा नहीं आता अच्छा कंटेंट बनाना, तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अभी और क्या है, अकाउंट हेल्थ अगर देखना है ना आपको, तो मेन्यू बार में जा सकते हैं। देखो अकाउंट ऑन रिस्क वन स्टोर, उस पर क्लिक करो, अकाउंट हेल्थ ऊपर डैशबोर्ड पे दिख रहा है ना, ऊपर ऑरेंज कलर में राइट हैंड साइड पे। ये इधर एक बार कॉल नहीं किया तो ज्यादा हाँ नहीं इधर नीचे आ आया जाओ, सस्पेक्टेड इधर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये कब आया आपको? क्योंकि पहले तो नहीं था ये, अभी आया क्या रिसेंटली? वो पहले नहीं था, बीच में वो हो गया, सेशन के बाद है वो। हाँ तो बताया नहीं लाइटनिंग, आपको मुझे। मैंने लाइटनिंग का ट्राई किया था और कॉल नहीं किया ना उन लोगों को। एक बार कॉल नहीं, कॉल करेंगे तो वो लोग हटा देंगे। कॉल करेंगे तो हटा देंगे, इतना इजी? हाँ, वो मैंने YouTube पे देखा था, वो कॉल करेंगे और ये क्यों हुआ वो पूछेंगे और हमें हमारा मिस्टेक बताना पड़ेगा और वो लोग ऐसे वैसे करके हटा इतना देंगे। इजी नहीं होता भाई, ये मुझे भी आया है 6-7 साल अगर आप काम करोगे तो ऐसा नहीं आएगा क्या? अभी रिसेंट एक स्टोरी ऐसी हुई मेरे साथ, रिसेंट यानी कि अभी आपका सेशन नहीं हुआ तब, मैं इसके ऊपर एक वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ यूट्यूब के ऊपर, कि 1 मिनट में एक कस्टमर आपका बिजनेस पूरा जीरो कर सकता है, इसके वीडियो में बताने वाला हूँ। सब लोगों को रियलिटी पता होनी चाहिए। जैसा कि मेरा एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा सेल हो रहा था, एक कस्टमर ने कंप्लेंट कर दी उसकी, और इतना बड़ा लिखा उसका ऐसे जैसा कि प्रोडक्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। अभी हो सकता है उस बंदे को थोड़ा प्रॉब्लमेटिक प्रोडक्ट, डिफेक्टिव प्रोडक्ट पहुंचा होगा, कितने भी इंस्पेक्शन करो, देखो 100% कोई चीज परफेक्ट नहीं होती, अंडरस्टैंड? तो हुआ ऐसा, उन्होंने कंप्लेन कर दिया और उसी दिन ना मेरे पास उस प्रोडक्ट की सिर्फ एक इन्वेंट्री बची थी, आई मीन सिर्फ वो एक प्रोडक्ट बचा था, राइट? पूरे प्रोडक्ट खत्म हो रहे थे, एक बचा था, और अमेजोन ने, और वो भी रिजर्व में था। ओके, मैं यानी कि किसी ने ऑर्डर किया था, तो इसका मतलब जीरो इन्वेंट्री। और अमेजोन ने मुझे मैसेज किया कि आपकी जो लिस्टिंग है वो हमने नॉन सेलेबल करके रखी है, तो आप सेल नहीं कर सकते उस लिस्टिंग के ऊपर अनलेस एंड अनटिल आप ये प्रोवाइड करो नीचे। और इतना बड़ा था, तो क्या बोला कि कस्टमर ने हमें कंप्लेंट किया, क्या कंप्लेंट किया वो भी लिखा, और उसके बाद बोला कि ये जो प्रोडक्ट है आपने जब इंस्पेक्शन किया, इंस्पेक्शन का रिपोर्ट भेजो, आपने जब नोहिन किया यानी कि जब आप सेंड करते हैं अमेजोन के ऊपर, उससे पहले चेक किया था कि नहीं किया था, मीन्स क्या प्रॉब्लम है, तो 2-3 रीजन दिया, ये प्रॉब्लम है या कस्टमर ने अच्छे से यूज नहीं किया प्रोडक्ट, ये बताओ। देखो अगर हम ऐसे बोलते ना, कस्टमर ने अच्छे से यूज नहीं किया होगा प्रोडक्ट, हम तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो दैट्स वेरी बैड, बिकॉज वो कस्टमर इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए। और अगर हम ऐसे बोलेंगे ना कि कस्टमर ने अच्छे से यूज नहीं किया होगा, तो वो बोलेंगे हाँ ठीक है, तो यूजर मैनुअल क्या है आपका, क्या यूजर मैनुअल, कस्टमर ने कैसा यूज करना चाहिए, क्या आपने यूजर मैनुअल दिया था, है ना, मीन सब बहुत सारी चीजें होती है।
तो उसके अंदर मैंने सिंपली देखो, मुझे पता था अगर मैं ऐसा बोलता कि नहीं, प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, तो वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं अच्छा प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, तो जितनी भी इन्वेंट्री आपकी अमेजन वेयर हाउस पे है ना, वो पीछे रिमूव कर दो, ऑर्डर रिमूव ऑर्डर कर दो, और फिर से आपको जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करके, चेक करके, इंस्पेक्ट करके, रिपोर्ट भेजकर आपको फिर से सेंड करना है। अभी इस पैसा कितना लगेगा अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट है तो मुझे तो ये पता है कि मेरे पास तो प्रोडक्ट तो खत्म हो चुकी है, दूसरी ऑर्डर आने वाली है, अभी आज ही उसका बेसिकली खत्म होने का टाइमिंग है, लेकिन मंडे को हम इंस्पेक्ट करने वाले हैं। तो अब देखो वो प्रोडक्ट खत्म हो चुका था, अभी मैंने क्या सिलेक्ट किया रीजन कि हाँ हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, मैंने बोला कि हमारे ही प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, तो क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बोला फिर जब आप शिप करते थे तो क्या आपने इंस्पेक्शन किया था, अब मैं हर प्रोडक्ट इंस्पेक्ट करके भेजता हूँ, तो मेरे पास रिपोर्ट था। तो मैंने बेसिकली उसके साथ दो तीन प्रोडक्ट थे मैं जब ऑर्डर किया था, तो उनका साथ मैंने क्या किया था, इंस्पेक्शन किया था उसका, तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट में वो बाकी प्रोडक्ट भी थे ना उनके साथ, है ना, तो वो और अच्छा स्ट्रांग हो गया ना कि भाई ऐसा नहीं कि किसी ने बना के फेक मुझे, अमेजोन ऐसा नहीं बोल सकता ना, फेक इंस्पेक्शन रिपोर्ट दिया। तो इंस्पेक्शन कंपनी का नाम, एड्रेस, सब कुछ होता है उधर, उसके बाद वो पूरा 42 पेजेस का या 41 पेजेस का कुछ रिपोर्ट था, उसके अंदर हर प्रोडक्ट की टेस्ट थी, और उन्होंने देख लिया, फिर उन्होंने रीजन बताया कि ये फ्यूचर में नहीं होगा, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, राइट, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, अगर कभी आपको लगा ना तो मैं दूंगा आपको, कभी ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो। तो मैंने उसमें अंदर लिखा कि बहुत सारे 5-6 रीजन हमने देखे कि प्लान ऑफ एक्शन हम क्या लेंगे, बहुत टाइट करेंगे और इंस्पेक्ट करेंगे, अच्छे से सप्लायर को वार्निंग देंगे, मीन्स बहुत सारी चीजें लिखी कि ये प्रॉब्लम क्यों नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है इसमें कि एक कस्टमर आपका प्रोडक्ट डिफेक्टिव है बोलेगा, और अमेजोन आपको बोलेगा भाई अगर ये नहीं किया यू विल नॉट सेल, और मे बी दे विल डीएक्टिवेट योर अकाउंट, अगर बार बार ऐसा चीजें होती है तो। अंडरस्टैंड, अभी ये सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपके अकाउंट में दिख रही है ना, जो पहले कोई आपने बोला कोई लाइटनिंग केबल आपने भेजा था मेंटोरशिप से पहले, राइट, ये हमारा नहीं, लेकिन ये ऐसा अगर बार बार आया ना, तो आपका देखो अकाउंट है ऑलरेडी येलो में गया है, एट रिस्क है, तो अगर एक दो बार हो गया फिनिश, योर अकाउंट इज सस्पेंडेड, आपने जितना बोला ना किसी ने यूट्यूब पे बोला होगा। देखो अभी ये बोलना और करना फर्क होता है कि भाई मैं कॉल कर दूंगा, वो कर देंगे, कैसे कर देंगे, ऐसा नहीं होता, सब रिटर्न में वो प्लान ऑफ एक्शन मांगेंगे कि ये क्यों हुआ था, क्या आप इसका रिस्पॉन्सिबल है, तो आपको एक गलती आपको ना बोलना चाहिए कि हाँ मैंने गलती से ये प्रोडक्ट लिस्ट किया था, मैं कोई जानबूझकर इसका मैं ब्रांड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो यूज नहीं करना चाहता था लेकिन हो गई, और इसके लिए हमने स्टेप्स ऐसे लिए कि तुरंत हमने लिस्टिंग डिलीट कर दी और ब्रांड हटा लिया, वट एवर आपको बोलना होता है तब वो निकलता है। लेकिन ये 90 डेज तक मेरे हिसाब से 30 या 90 डेज तक ऐसे रहता है, जब भी वो गया तभी भी, तो उसका कोई इश्यू होता नहीं है, लेकिन इतना इजी मत बोलना कि मैं कॉल करूंगा और कर दूंगा, ऐसा नहीं होता, मैंने बहुत बार किया ये सब चीजें, और हर किसी के साथ होता है, तो ऐसा नहीं कि आपके साथ हुआ तो, लेकिन सिर्फ बार बार नहीं होना चाहिए, अंडरस्टैंड दिस, राइट। तो मैं इसके ऊपर ना यूट्यूब के वीडियो शायद ऐसा भी होता है, इसी को रिकॉर्ड कर किया है ना, यही डालते हैं, क्योंकि लोगों को ये पता होना चाहिए, क्योंकि हर बार ना कोई बंदा बोलेगा देखो मैं बहुत प्रॉफिट कमा रहा हूँ और आ जाओ मेरा कोर्स ज्वाइन कर दो, एंड इतने इतना इजी होता है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट इजी कुछ चीजें नहीं होती, मैं बाकी आपको पता है दूसरा स्किल सीख रहा हूँ, तो मुझे भी पता है कि स्किल सीखने के लिए, अचीव करने के लिए, पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कोई इजी चीज नहीं होती। हाँ इन द बिगिनिंग पे मेहनत करने के बाद बाकी आराम से, अभी मुझे भी, मैं भी दिखाता हूँ ना कभी भी, देखो मैंने 2 लाख किया, 5 लाख किया, 3 लाख किया, लेकिन भाई उससे पीछे का रीजन बहुत सारी चीजें है ना, तो ये लोगों को पता होना चाहिए कि अमेजोन कितना रिस्की है अगर आपको ठीक ठाक से पता नहीं है, तो सब जानबूझकर ही करे, सीख कर करे, और सीखोगे तभी ही कुछ ना कुछ करोगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसी को ही हम YouTube पे डालेंगे अभी, ओके, क्योंकि क्यों मैं फिर से रिकॉर्ड करूं, मेरे पास टाइम ही नहीं उतना, टू बी ऑनेस्ट, चलेगा ना। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो मैंने ये वो हटा दिया, वो उसका लिस्टिंग सब डिलीट कर दिया। हाँ, तो लेकिन ना क्या होता है ना, वो आपने कर दिया ठीक है, लेकिन अगर आपने अमेजोन को बता दिया ना, देखो हम कितने रिस्पॉन्सिबल है, हमने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन ऐसा होने के बाद तुरंत हमने एक्शन लिया और हमने लिस्टिंग डिलीट किया, बताया दिया, तो वो देखो वो बोलेंगे हाँ थैंक यू वेरी मच गुड, ऐसा बोला बोलेंगे, लेकिन ये बताया तो अच्छा होता है, ठीक है। नहीं तो आप एक बार फिर ईमेल क्या कर सकते हैं, ASIN नंबर जो लिखा है आपने, OASIN नंबर, ओके, और उसके बाद हमने प्लान ऑफ एक्शन में लिख सकते हैं कि वी हैव ऑलरेडी डिलीटेड द लिस्टिंग, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, एंड वी विल नेवर एवर डू दिस मिस्टेक अगेन, एंड वी विल रिसर्च बिफोर द लिस्टिंग, उनको थोड़ा थोड़ा सा और लिख सकते हैं अच्छे से, लेकिन हाँ इतना भी लिखा तो भी चलेगा, बिकॉज वैसे भी आपने लिस्टिंग डिलीट की है ना, ठीक है, एक बार सेंड करके रखना उनको। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या इशू था, उनको कैसा इशू आया, और बाय द वे उसको सॉल्व कैसे करना होता है, राइट, और मैंने भी कैसे सॉल्व किया। तो जब भी आपको, आप अमेजोन पे सेल करोगे तो ट्राई करो एज मच एज पॉसिबल आपके प्रोडक्ट इंस्पेक्ट करने का, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम आ भी गया तभी भी आप अपना इंस्पेक्शन रिपोर्ट अमेजोन को सेंड कर सकते हैं। देखो अमेजोन का भी क्या होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उनको
उनके कस्टमर, बिकॉज कस्टमर लॉयल्टी इज इंपॉर्टेंट फॉर देम, राइट? तो वो अगर कोई भी कस्टमर रिपोर्ट करता है, हो सकता है कभी कभी वो आपका कंपेटिटर हो सकता है, तो आपका कंपेटिटर अगर आप अच्छा सेल करना स्टार्ट करोगे तो हो सकता है कंपेटिटर रिपोर्ट करेगा, बोलेगा भाई प्रोडक्ट डिफेक्टिव है। तो ऐसा थोड़ी अमेजन को भी समझ में आता है ना कि एक कस्टमर ने बोला, लेकिन बार बार अगर सेम चीज रिपीट हो गई तो अमेजन क्या करता है, उस प्रोडक्ट लिस्टिंग को रिमूव करता है, आपको पूरे प्रोडक्ट रिमूव करने पड़ते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम न होने के लिए आपको ये बताना पड़ता है, देखो भाई हमें हमने हमारा होमवर्क किया है, हो सकता है एक आधा दूसरा प्रोडक्ट डिफेक्टिव हो सकता है, तो उसके लिए हम सॉरी, और हम उसका मीन्स उनको रिटर्न कर सकते हैं, रिफंड कर सकते हैं, या फिर फ्यूचर में ऐसा प्रॉब्लम न होने के लिए क्या एक्शन लेते हैं, अगर आप उनको बताएंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो ये कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, लेकिन हाँ इशू जरूर है जब नए आप सेलर होते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि इस टाइम पे क्या हमने करना चाहिए, तब आपको पैनिक नहीं होना है। उससे पहले आपका अपने होमवर्क करना है, अच्छे से इंस्पेक्ट करना है प्रोडक्ट जब आप अमेजोन पे सेंड करोगे, और मेक श्योर आपके पास रिपोर्ट होना चाहिए, पिक्चर्स होना चाहिए, अगर वीडियो हो तो और भी बढ़िया, ताकि आपके पास कुछ ना कुछ प्रूफ हो कि बिफोर हमने चेक किया है प्रोडक्ट सेंड करने से पहले। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना, मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि बहुत बार लोग बोलते हैं इतना अच्छा आप कंटेंट डालते हैं लेकिन बहुत कम व्यूज़ होते हैं, बिकॉज मैं बहुत रियलिटी यहाँ पेश करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तब मैं और वीडियोज़ ऐसे लेके आऊँगा। सो दैट्स इज फॉर दिस वीडियो गाइज, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू गाइज।